खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ को आतंकवादी कहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश सरकार के मंत्री ने ये भी आरोप लगाया है कि आदित्यनाथ के आश्रम पर रेड डाली जाए तो हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा वहां से बरामद किया जा सकता है। अरे योगी, मैंने तो कहा था ये योगी नहीं है, ये भोगी है और सबसे बड़ा आतंकवादी ये है। अगर इनके यहां छापा डाला जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जखीरा अगर मिलेगा तो महंत अवैधनाथ के आश्रम पे मिलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। ये बाबा नहीं है, इन्होंने धोखा देने वाले हैं, इन्होंने छलने वाले हैं। और हमीरपुर की जनता ने जब ये गए थे मऊधा में और इन्हें जिस तरह के भाषण दिया था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आजम खान को कौआ कहा था। इन्होंने कहा था कि मंच से मुलायम सिंह की अर्थी उठे, चार आदमी कंधा देने वाले नहीं है। किसने कहा था ये सब? इनसे जनता देख रही थी, हमीरपुर की जनता ने इन्हें जवाब दे दिया कि तो मुलायम सिंह के तो कंधा उठाने वाले नहीं, ये करोड़ों जनता, हमीरपुर की जनता साथ खड़ी है, तुम्हारे साथ तो कंधा देने वाला कोई नहीं खड़ा है। यूपी में समाजवादी सरकार है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसा है तो रेड डालने के लिए मना किसने किया? सीधे रुख करेंगे विपिन चौबे का। विपिन, हाल ही में जो समाजवादी पार्टी को उपचुनावों में जीत मिली है, ये उसका नशा है या फिर कुछ और? दरअसल ये नशा है चित्रा, और दूसरी बड़ी बात यह है, गायत्री प्रसाद प्रजापति को जिस तरह से कांग्रेस के में दिग्विजय सिंह है, उसी तरह समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। इनके बयान के बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है और गंभीरता से लिया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का एक सांसद के बारे में इस तरह का बयान बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। इसके बावजूद पार्टी गायत्री प्रसाद प्रजापति को डिफेंड करती है और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर खुद सैकड़ों और दर्जनों आरोप है, जिसमें अवैध खनन का भी आरोप शामिल है, लेकिन उन तमाम आरोपों को गायत्री प्रसाद प्रजापति अपने दामन में नहीं झांकते हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार इनकी है। अगर ऐसा है तो सरकार क्यों गोरखनाथ के मंदिर में रेड नहीं करती और क्यों वो हथियारों का जखीरा बरामद नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार इस पर आंख मूंदे बैठी क्यों है? इसी के साथ सुनो इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस